हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है। एक ही अलमारी है जिसमें घर में पहनने के कपड़े रखती हूँ। तो मैं अपने जो डेली, जैसे मैं साड़ियाँ पहनती हूँ, तो वो साड़ियाँ मैं अपना इस दीवान में रख रखी हैं। मैंने सारी साड़ियाँ, लहंगे और जो भी मुझे निकाल के पहनना होता है ना, मैं डेली का ऐसे करती हूँ। जैसे दो साड़ियाँ निकाल ली, दो या तीन साड़ियाँ बाहर निकाल लेती हूँ, फिर उनको पहन लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर उनको अंदर कर देती हूँ, और उसके बाद मैं दूसरी साड़ियाँ निकाल लेती हूँ, क्योंकि घर में स्पेस की कमी है। कभी ऐसा हुआ कि मेरे पास एक बड़ा घर हुआ ना, तो उसमें मैं बहुत बड़ी अलमारी लगाऊंगी। इतनी बड़ी अलमारी कि मेरे को ना कुछ भी पहनने के कपड़े ना दीवान में या बेड में ना रखने पड़े। बट अभी घर छोटा है तो मैनेज करना पड़ता है। तो मैं नहा ली थी आज, मैं सुबह उठी थी 5 बजे। 5 बजे उठ के मैं सुबह नाश्ता भी बना दिया था, खाना भी बना दिया था। स्कूल में टिफिन में भी हान को मैंने एक पराठा दिया, जिसमें से आधा पराठा खाया हुआ है, आधा पराठा नहीं खाया। उसके बाद घर आई तो आम काट के दिया, आम नहीं खाया। फिर मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बनाए, तो फ्रेंच फ्राइज़ भी हान ने, मतलब एक कटोरी फ्रेंच फ्राइज़ खा लिए। सुबह खाली पेट गया था। फिर अभी ट्यूशन छोड़ आई मैं, फिर ट्यूशन से आके देखूंगी आम खा लेगा, और देखेंगे कुछ ना कुछ सोचूंगी कि क्या खाएगा रात को। भी हान ऐसे ही रहता है बच्चे के साथ। तो यहाँ पे देखिए, मैं बर्तन धोने लग रही थी, और पता है मैंने कल ही बोला था, अप्रैल को एक मैंने लिस्ट बनाई थी जिसमें कहा था मैं मोटर ठीक करवाऊंगी। अपने आप मोटर पानी उठाने लग गई, मतलब 1-1.5 महीने से खराब पड़ी थी, और अपने आप ही, मतलब मैंने कुछ नहीं किया। मैं खुद हैरान हुई सोच के कि अपने आप कैसे काम करने लगी। मतलब ये नहीं कहती बहुत पानी चढ़ता है, बट जितना कि मुझे ज़रूरत होती है ना, उतना पानी चढ़ जाता है अब। या तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना रुकावट होगी। कई बार ऐसा होता है ना कि मोटर के अंदर कुछ, जैसे कई दिन हम यूज़ नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते, तो वो बीच में रुकावट हो जाती है। तो उसकी वजह से शायद वो पानी को ना कहीं रुकावट बन गई थी। या देखते हैं, जब भी, अभी तो काम चलो मेरा चल ही रहा है, लेकिन रात को सच में बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि मेरे घर में इन्वर्टर भी ख़राब है, इन्वर्टर की बैटरी भी डेड है, और रात को लाइट चली जाती है। फिर विहान रोने लग जाता है क्योंकि उसकी नींद ख़राब हो जाती है। एक तो मेरे इस घर में कूलर भी नहीं है, ना एसी है, सिर्फ पंखे के नीचे सोते हैं विहान और मैं। लेकिन मेरे को, हमें नींद आ जाती है, हम पंखे में भी आराम से सो जाते हैं। लेकिन गड़बड़ी होती है, जैसे मान लो विहान सो गया रात को 10 बजे, और 11:30-12 बजे के आसपास क्या होता है, एकदम से लाइट चली जाती है 1 घंटे के लिए। तो उस टाइम मच्छर भी, मच्छर तो नहीं होते खैर, पर गर्मी में एकदम से बच्चा परेशान हो जाता है, विहान रोने लग जाता है। और मैं तो चलो किसी तरीके से अपना निकाल लेती हूँ, लेकिन विहान के लिए मुश्किल है। तो मेरे को ये इन्वर्टर और ये इन्वर्टर की बैटरी ठीक करवाने ही करवाने पड़ेंगे, क्योंकि लाइट का इशू, देखो सर्दियों में तो काम चल जाता है, पता भी नहीं चलता लाइट जाए ना जाए क्या फ़र्क पड़ता है, पर गर्मियों में दिक्कत आती है। और ये देखो, आज मैंने सारे लगे हाथों बर्तन धो दिए, पानी आया हुआ था। मेरे को था कि चलो इस सप्लाई का पानी ना, यहाँ टूटी है सप्लाई की, रसोई में भी है, बाथरूम में भी है। और उसके बाद ये देखो, मैं यहाँ पे आलू छील रही थी, क्योंकि विहान के स्कूल से आने का टाइम हो रहा था, और मुझे पता था विहान क्या खाता है क्या नहीं। और मैंने पापा जी को, अरे आप कह रहे थे ना वो कॉर्न, जो कॉर्न वाला जो होता है, वो मक्के का आटा नहीं होता है, वो दूसरा होता है। तो मैंने गूगल पे, आप खुद देखो ना, मैंने गूगल पे लिखा, गूगल पे तो मक्की का आटा ही दिखा रहा है, जो वो कॉर्न होता है ना, कॉर्न, मैं नाम फिर भूल गई क्या होता है, कहते हैं कि वो लगाते हैं। तो पापा जी बोलते हैं बेसन लगाते हैं, तो पापा जी बेसन का पैकेट उठा लाए थे, जिसकी एक्सपायरी डेट अप्रैल में ही ख़त्म हो चुकी है, अप्रैल 2024। बट मेरा मानना है कि अगर कोई प्रोडक्ट एक्सपायर भी हो चुका है ना, तो भी उसको एक बार खोल के देख लो। अब मैंने बेसन खोला ना, तो उसमें ठीक था, कीड़े तो नहीं चल रहे। और अगर मान लो अप्रैल में एक्सपायर हुआ है, तो आप 15-20 दिन और इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि जो प्रोडक्ट की जो एक्सपायरी डेट लिखी होती है ना, उसके ऊपर आप मान लो कोई, मतलब प्रोडक्ट है वो 2 साल में एक्सपायर होने वाला होता है, तो 2 साल 1 महीना या 2 साल 2 महीने तक वो एक्सपायर नहीं होता। वो जो एक्सपायरी डेट होती है ना, उसे टाइम से, लिमिट से थोड़ा पहले की ही होती है। मतलब आप प्रोडक्ट को देखो। तो मैंने देखा तो वो ठीक था, कीड़े भी नहीं चल रहे थे। तो अभी इस 15-20 दिन में ये बेसन ख़त्म कर देंगे पैकेट। इसीलिए देखो, ये देखिए जी, यहाँ पे पापा जी ने ना बेसन घोल दिया, बोलते कि लाला मैं दिखाता हूँ इससे अच्छे बनेंगे। तो मुझे बताइएगा, जो मार्केट में जो मिलते हैं फ्रेंच फ्राइज़, उसमें क्या लगाते हैं आलूओं के ऊपर जो लेयर होती है, वो बेसन की होती है, या मैंने कुछ पढ़ा था, मैं नाम भूल गई, वो कॉर्न वाला जो, कॉर्न फ्लोर, मक्की का आटा बोलते हैं उसको, गूगल किया था मैंने, आप लोग कुछ और बोल रहे हो। तो यहाँ पे देखिए, मैं फटाफट बिस्तरा झाड़ देती हूँ, ये चादर भी कई दिन हो गए बिछी हुई, अब मैली मैली सी होने लग गई है, मैं बदलूँगी और आज आज और बिछी रहने देते हैं। तो मैंने क्या किया, जितने भी कपड़े यहाँ बेड पे रखे हुए थे, उनको तय कर करके अलमारी में जचा दिए, और
अब मैं लेट के करूँगी आपसे बात थोड़ी देर, लेटे लेटे वॉइस ओवर कर रही हूँ आराम से। ये जो मेरी तीसरी वीडियो जाती है ना शाम की, इसकी एडिटिंग मैं करती हूँ जब विहान स्कूल ट्यूशन छोड़ाती हूँ विहान को, तब तसल्ली से बैठ के इसकी एडिटिंग भी करती हूँ। और फिर आराम से मुझे कुछ जूस वूस पीना हो, मैं जूस पीती हूँ थोड़ा सा, इस टाइम में थोड़ा सा आराम भी कर लेती हूँ 10-15 मिनट। और जूस के लिए 20 किलो मौसम्बी लाई थी 3-4 दिन पहले, और एक भी मौसम्बी का अभी तक जूस नहीं पिया मैंने। अभी तक तो कम से कम 20-25 मौसम्बी ख़त्म हो जानी चाहिए थी। एक्चुअली क्या हुआ, मेरे को हल्का हल्का जुकाम सा हो गया था बस ऐसे ही, और फिर मैंगो शेक पिए जा रही हूँ, तो कहाँ आज पीऊँगी, आज शाम को ना बनाऊँगी एक गिलास। अब रूटीन बनाते हैं रोज़ का, एक गिलास मौसम्बी का जूस तो पीना ही पीना चाहिए। तो उसके बाद ये देखो जी, पूरा कमरे एक कमरा सेट कर दिया था मैंने अच्छे से, और फिर मैं आ गई थी रसोई में। रसोई में मैं ये देखो फ्रेंच फ्राइज चेक कर रही थी। एक्चुअली तेल ठंडा ठंडा सा हो रखा था, टाइम ज़्यादा ले रहा था तलने में ना। एक होता है कि एक ही दम से गर्म होके उसी वक्त फटाफट मतलब निकाल दे, मतलब तल जाए, लेकिन ये तासीर पता नहीं क्यों तेल की थोड़ी ठंडी ठंडी सी लग रही थी। कई बार होता है, ऐसा भी नहीं है, मैंने तेल को बहुत अच्छे से गर्म किया था, बिल्कुल जब हो गया था ना तेल गरम तभी मैंने डाले थे आलू, लेकिन वो ढंग से ठंडा ठंडा सा आ रहा था, झाग बन जाते हैं, क्यों बनते हैं ये सरसों का तेल, जैसे कई बार मैं जैसे आज मैंने किया ना उसमें एकदम से झाग से बनने लग गया और वो तेल अपने आप ही ठंडा ठंडा सा हो गया। ये देखिए, ये इस तरीके से फ्रेंच फ्राइज बने थे। मम्मी तो कह रही थी सही बने हैं, पर मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी कमी अभी भी है थोड़ा सा वैसे नहीं बने जैसे बाजार बाजार में बनते हैं, बिल्कुल परफेक्ट नहीं बने ये फ्रेंच फ्राइज। मम्मा चावल कहाँ से बनाओगे? चावल आज बनाओगे कल? चावल नहीं बनाना बेटा, अभी तो फ्रेंच फ्राइज बनाए हैं ना। मैं रोक रोक कहाँ से बनाऊंगी मम्मा चावल? बनाऊंगी बेटा। हस्बैंड जी मेरी एक बात सुन लीजिए, देखो आप भी सोच समझ सकते हो, मैं लड़की हूँ और अकेले रहना पूरे घर में इतना डर लगता है। बच्चा आप समझ रहे हो ना, आप तो चले जाते हो कभी 2 दिन के लिए, कभी 4 दिन के लिए, काम है आउट ऑफ स्टेशन, लेकिन आप ये सोचते हो कि मैं भी अकेली रहती हूँ, मुझे भी डर लगता है, इतने बड़े घर में अंधेरा होता है, डर लगेगा ना? देखिए आप ही बताइए ना, इतने बड़े घर में अंधेरे में डर लगता है मुझे। तो मैं यही बोल रही हूँ मेरे हस्बैंड को कि प्लीज आप ना सासू माँ जी को मेरे घर पे रुकवा दिया कीजिए, जब आपको जाना हो 2 दिन 4 दिन तब पीछे से मम्मी जी मेरे साथ रह लिया करेंगे। बताइए ना मैं क्या गलत बोल रही हूँ? कुछ खाएंगे आप? कुछ लाऊं आपके लिए? खाना खाओगे? लंच करोगे? क्या खाओगे? आलू शिमला मिर्च की सब्जी बना रखी है मैंने, तो आप खाओगे तो रोटी बना दूंगी मैं। खाना खाओगे या अभी आप पहले मैगी बना दूंगी तो आपके लिए, आपको मन हो आज। मैं कुछ पता आपको, मैं अभी कुछ दिन पहले लाई थी, बहुत सुंदर सुंदर पैकेट लाई थी मैगी के, नए नए अच्छे अच्छे स्पाइसी वाली, तो आपको पसंद भी आएगी, बहुत ही यम्मी है। बहुत अच्छी वाली नूडल्स लेकर आई थी मैं, आपको भी याद होगा ना, अभी कुछ दिन पहले, वही मैं अपने हस्बैंड को बताने लग रही हूँ कि जाके वो खा लेंगे, ज्यादा अच्छी लगेगी, कि फिर कहेंगे कि सब्जी ऐसी है वैसी है, नूडल्स बना लेंगे, अच्छा लगता है। वैसे भी मेरे हस्बैंड और मैं एक थाली में मैगी खाते हैं कभी, वैसे ज्यादातर यही बनाते हैं मेरे लिए, मैं तो कभी कभी बनाती हूँ, फिर जब बना लेते हैं तो फिर हम साथ में ही खाना खाते हैं एक ही साथ, बट अब तो ये भी है बीच में। विहान विहान पापा को बोलो ना कि पापा ना जाओ यही रहो, बोलो ना बेटा, बोल दो पापा जी यही रहने आपको, बोलो ना बेटा, कह दो कहीं नहीं जाना आपको, और कहीं जाना है तो दादी को यहाँ भेज दो, बोल दो भी हाँ, कह दो दादी यहाँ रहेगी। देखो ये तो बेचारा चुप हो गया, तो हमारे बीच में बोलता ही नहीं है, बिल्कुल शांत बच्चा है, सीधा शादा सा मेरा बेटा। तो बताइए ना, बताइए, अब आप कह रहे हो कि मेरे को फिर जाना है, अब पीछे से आप ही सोचिए ना, अकेले रहना, लाइट भी चली जाती है, इन्वर्टर भी खराब हुआ पड़ा है, गल गई थी ना कल रात को लाइट, डर लगा था ना रात को, डर लगता है ना रात को अंधेरे में, आते हैं ना, कौन आते हैं, ज़ॉम्बी आ जाते हैं ना। हाँ देख लो, देखो आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ यहाँ घर में ना कैसे मैनेज करेगा कैसे, देखो मेरे मन में कोई पाप नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा, मम्मी जी हम मेरे साथ रहेंगे तो हम अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे, बल्कि मेरा भी मन लगा रहेगा, देखो अकेले अकेले रहती हूँ तो मन भी नहीं लगता,
कोई दो बंदे हो, आप सही कह रही हूँ ना, मैं दो बंदे हो साथ में तो बात भी करने में अच्छा लगता है, मन लगा रहता है। तो बस यही चीज मैं मेरे हस्बैंड को बोलने लग रही हूँ कि ना मम्मी जी को मेरे यहाँ भेज दिया कीजिए। और दो बेड है, देखो ये बेड है पीछे है, चाहे आगे पीछे कैसे भी सो जाए, ऐसे भी नहीं है कि कोई कमी वाली बात हो, आराम से रह लेंगे। अब आप ही बताइए ना, आप मुझे देखिए, जवान लड़की यंग, अकेले घर में, अकेले सुनसान, आप समझ ही सकते हो ना आजकल जमाना कितना खराब है, लड़कियों को क्या अकेले रहना चाहिए और वो भी इस उम्र में, मतलब किसकी क्या नजर पड़ जाए, आप समझ रहे हो ना। तो होना चाहिए ना कोई बंदा तो होना ही चाहिए ना। मान लो हस्बैंड जा रहे हैं काम से तो पीछे से मम्मी जी को मेरे यहाँ छोड़ जाए, अब अकेली रहती हूँ, बताओ अकेली रहती हूँ मैं, जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, आजकल का समय का कुछ पता है क्या, कोई तो साथ होना चाहिए ना। अकेली लड़की को पूरे इतने बड़े घर में अकेले रहना पड़ जाता है, कल को कोई भी दरवाजे पे आ जाए, मैं तो हूं भी बेवकूफ, दरवाजा खोल लूं, बताओ बाद में क्या कर ले, कुछ भी क्या बाद में कुछ हो जाए, है ना, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है ना। तो हाँ, हमें अपनी तरफ से एक होना चाहिए ना, ना तो सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे हैं मेरे हस्बैंड ने, इतनी बार मैंने बोला उनको कि देखो कैमरे लगवा दो, अच्छा नहीं लगता कल को कुछ भी हो, सेफ्टी अकेली कई बार रहना पड़ जाता है मुझे, लेकिन नहीं बोलते हैं कि कोई नहीं, तू तो मेरा बहादुर बच्चा है, बहादुर बच्चा है। अरे बहादुर बच्चा तो मैं हूं, मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज बाबू मेरी बात सुन लो। बाब नहीं 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 बाबू, ऐसे नहीं चलेगा, आपको इस बार तो मेरी बात माननी ही पड़ेगी, मैं गलत नहीं हूँ कहीं से भी, समझ रहे हो ना आप। आप मम्मी जी को मेरे यहाँ पर भिजवा दीजिए, मैं उनकी थोड़े दिन सेवा भी कर लूंगी, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, मैं मम्मी जी से, अपनी सासू माँ जी से बहुत प्यार करती हूँ, देख लो कितनी देर से समझा रही हूँ पर समझ ही नहीं आती, बुद्धि कम है ना, क्या करूं मैं, बोलो ना, बात करो ना, एक मिनट, गुस्सा क्यों हो रहे हो, ऐसा भी मैंने क्या बोल दिया, बुद्धि कम है, मेरा वो मतलब नहीं था, वो मतलब नहीं है मेरा, गलत लेके जाते हो बात को, कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे मेरा मजाक बनवा रही है, कह रही है बुद्धि कम है, मैंने बुद्धि कम का मतलब ये थोड़ी कहा कि दिमाग नहीं है, मेरा कहने का ये मतलब है कि थोड़ा सा माइंड का यूज करें, हमेशा मैं बोलती हूँ तब करते हैं, खुद से भी तो कुछ करना चाहिए ना, क्या क्या मुझे आंखें क्यों दिखा रहे हो बाप, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया, हाँ ऐसे गुस्सा नहीं मत करो जी मेरे ऊपर, ऐसा मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, आपकी हमेशा तारीफ करती हूँ पूरी दुनिया के सामने, आप ही हमेशा सारी बातों को उल्टा लेके जाते हो, आप मुझे रुलाओगे क्या, हाँ मेरे पे गुस्सा करोगे आप, मुझ पे गुस्सा करोगे आप मुझे डांटोगे, मियां पापा डांटेंगे हमें, नहीं डांटना नहीं डांटना, अब मम्मी जी के लिए, सासू माँ जी के लिए आप मुझे डांटोगे, मैंने ऐसा भी क्या कहा उनके लिए, तो कहा कि यहाँ रुक जाए, अच्छा वो नहीं रहना चाहते फिर हमारे साथ, हाँ नहीं रहना चाहते हमारे साथ, बताइए ना, ठीक है जाओ जाओ जाओ, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, जाओ मुझे नहीं बात करनी है बाप से, जब इस बात पे आप कुछ बात करो ना तो फैसले के साथ आना, ऐसी टाल मटोली वाली बातें मुझे अच्छी नहीं लगती है, पानी नहीं पूछा मैंने, झूठ मत बोलो, कह रहे हैं कि पानी पूछा नहीं आते ही लड़ने लग गई है, बताओ कब लड़ी मैं, कब लड़ी, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, पानी पूछा था अभी आपके सामने ऑन कैमरा, खाना भी पूछा था मैंने, चाय मैगी सब पूछती हूँ मैं, आपने पूछा मुझसे, आप पूछते हो मुझसे, बस मेरा ही काम रह रहा है, बस मैं ही पीछे पीछे घूमती रहूं, आप मुझसे प्यार करते ही नहीं हो, बात सच बोल रही हूँ, आप मुझसे प्यार करते ही नहीं हो, आप बस जाने दो, मुझे बात ही नहीं करनी, अब एक शब्द भी मत बोल देना, मुझे आपसे बात नहीं करनी, ठीक है बस बात खत्म हो गई, हमारी बातें जितनी हुई थी सुन लिया ना, सारे ही हस्बैंड एक जैसे होते हैं, कहीं ये मत सोचा कि निधि का बहुत अच्छा हस्बैंड है, आपका बेकार है, ये सारे ऐसे ही बराबर होते हैं, कोई इतना कोई ऊपर कोई नीचे, बस इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है, सब में सब एक ही थाली के चट्टे बट्टू होते हैं सारे के सारे, ठीक है एक टाइम पे आके ना अपनी औकात दिखाई देते हैं, चलो जाने दो यार, हमारी भी कुछ लाइफ है, हम भी अपनी जिंदगी एंजॉय करेंगे, इन लोगों के पीछे अपनी लाइफ थोड़ी खराब करनी है हम लोगों को, बाहर में जाने दो, क्या 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 क्या, मैंने उस वे में नहीं बोला, अब फिर
हाँ जाओ 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 भाड़ में जाओ, जाओ जाओ, जाने दो ऐसी नखरे करते हैं, कोई नहीं ऑफ कैमरा बात कर लेंगे हम। ठीक है जी, चलिए एंड करते हैं वीडियो का। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। और इनको तो मैं बताऊंगी अभी ऑफ कैमरा, कोई नहीं कैमरा बंद होने दो, फिर देखेंगे हम लोग। बाय बाय, टेक केयर।